हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मुझे मिला था एक पार्सल जो कि मैंने ऑर्डर किया था। तो इस पार्सल में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस पार्सल में मैंने अपने प्लांट्स के लिए स्टैंड मंगवाए थे, और मैंने जो ये मंगवाए थे कि चार मंगवाए थे, चार का कॉम्बो था। तो फाइनली मैं इनको अनबॉक्सिंग कर रही थी इनकी। तो मैं इसको खोल रही थी, काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक किया हुआ था, बड़े अच्छे से कि कहीं ख़राब ना हो। तो बस इसी को खोल रहे थे, और पहले मेरे पास कुछ स्टैंड्स थे, लेकिन वो स्टैंड मेरे शिफ्टिंग में मैंने किसी को दे दिए थे, और अब मैंने फ्रेश स्टैंड मंगवाए हैं, नए स्टैंड मंगवाए हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप के हैं। तो बस फाइनली काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक कर रखा था, थोड़ा खोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने खोल लिया। तो मैं अब आपको निकाल के दिखा दूंगी कि किस तरीके के ये स्टैंड हैं। तो ये देखिए, फाइनली ये है मेरे स्टैंड, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और मुझे बहुत सुंदर भी लगे। जैसे मैं सोच रही थी शायद अच्छे नहीं होंगे इतने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, और ये मैंने लगा भी लिया, इस पर मैंने अपने प्लांट्स भी रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अब इन्होंने जो पॉलीथीन थी उससे अच्छे से इसको पैक कर रखा था, उसकी निकालते हैं पॉलीथीन, और फिर देखते हैं बाकी कैसा है। तो इस रेट में मैंने मंगाए थे, मैं बता दूँ आपको, 570 रुपये में मैंने मंगाए थे। 570 में मुझे ये चार का सेट मिला था, और ये मैंने मंगाए थे मीशो से। जी हाँ, मीशो पर मुझे 570 में चार का कॉम्बो मिल गया था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। तो बस ये देखिए, और बिना प्लांट रखने के बाद प्लांट्स का एक नया ही लुक आ जाता है। और जो सबसे ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है ना, कि अगर हम बैल्कनी में सीधे ऐसे ही प्लांट्स को रख देते हैं ना, तो वहाँ पे सफाई नहीं हो पाती है सही से, तो मिट्टी नीचे इकट्ठी होती रहती है, कहीं ना कहीं एक ना स्पॉट्स बन जाते हैं, पॉट के मार्क से बन जाते हैं, जो कि अच्छे इजीली क्लीन भी नहीं होते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ रख के कि किस तरीके से। तो आप अगर इस पर बड़े साइज़ वाले जो पॉट होते हैं ना, बहुत बड़े वाले साइज़ के, वो आराम से इस पर दो आ जाएंगे, और जो होते हैं ना 12 इंच के आसपास के, देखो इस साइज़ के, तो इस साइज़ के पोर्ट इस पर आराम से तीन आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो ही रखे थे अभी, लेकिन जब आप इनको जोड़ के लगाते हैं ना एक साथ में, जैसे चार मैंने मंगाए, और चारों को एक साथ जब जोड़ेंगे तो क्या होता है ना, उस पर आपके हिसाब से तीन तीन बन जाते हैं इस पर रखने के। तो मैं क्या करूँगी, अभी तो मैंने आपको रख के ही दिखाया था, बाकी जो मेरा चार था ना, चार को मैंने एक साथ जोड़ दिया था, तो जोड़ के मैंने रखे, तो मेरे काफ़ी सारे पोर्ट आ गए थे, यानी कि एक पे ना तीन के हिसाब से आ गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं ये बोल रही थी कि इस तरीके से जोड़ के मैंने जब रखे तो तीन बन गए थे एक बार। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा था, और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि नीचे बहुत इजीली सफाई हो पा रही थी, वरना सफाई नहीं हो पाती थी, नीचे मिट्टी के निशान बनने लग गए थे। तो गाइस, आपको उम्मीद करती हूँ कि जो ये वीडियो है हमारी पसंद आई होगी। फाइनली मैं ये सोच रही थी, मैं अभी एक कॉम्बो और मंगवाने वाली हूँ, मुझे ना अभी मेरे कुछ पोर्ट्स रह गए हैं, तीन चार या पांच पोर्ट रह गए हैं, तो मैं अगर दो मंगाऊँगी, मतलब एक कॉम्बो और मंगा लूँगी, तो उस पर वो मेरे पूरे पड़ जाएंगे, छः आ जाएंगे। तो बस इसको बैल्कनी में रखने के बाद ना, आप बहुत ईजिली बैल्कनी की सफाई कर सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो, अदरवाइज़ मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, और बैल्कनी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मीशो पर जाके देख सकते हैं, वहाँ से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।